हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ रिगार्डिंग रेलवे ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि एक रेलवे ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, मिनिस्ट्री लेवल पे किस तरह की व्यवस्था है, जोनल लेवल पे किस तरह की व्यवस्था है, डिवीजन लेवल पे किस तरह की व्यवस्था है, और डिवीजन के नीचे जो फंक्शनल यूनिट्स हैं, जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, उसकी क्या व्यवस्था है। तो जो भी विद्यार्थी जो भी रेलवे की नौकरी करना चाहते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या जो लोग रेलवे की ज्वाइनिंग के लिए अवेटेड हैं, जो ज्वाइनिंग ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, वेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो लोग रेलवे में कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी समझना ज़रूरी है कि रेलवे ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती है। इससे उनको बहुत ही अधिक फायदा होने वाला है कि वो जान पाएंगे रेलवे के बारे में। यह इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप रेलवे में भर्ती होंगे, जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, तो इससे जो रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इससे कहीं ना कहीं आपके 2, 3 या 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इवन जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस आपके होंगे उसमें भी आपको इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो एक प्रोस्पेक्टिव हो गया डिफरेंट ढंग से, बट ओवरऑल जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने जा रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन को आप जानेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, जब तक उसके गहराइयों को नहीं समझेंगे, तब तक ऑर्गेनाइजेशन में आप बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। यही मैं बताना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं कि रेलवे ऑर्गेनाइजेशन कैसे है और क्या स्ट्रक्चर है इसका। तो सबसे ऊपर है रेलवे मिनिस्ट्री, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोलते हैं, जो कि हेडेड है रेल मिनिस्टर के द्वारा। उसके अंडर दो, उनके नीचे दो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, डिपेंड करता है हर समय अलग अलग ढंग से। उसके बाद रेलवे बोर्ड है, जो कि जनरली हर जगह डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, लेकिन रेलवे में एक रेलवे बोर्ड है जो कि हेडेड होता है चेयरमैन रेलवे बोर्ड के द्वारा। अभी एक कैडर स्ट्रक्चरिंग हुई है जिसमें कि हमारी जो पूरे रेलवे ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिस्ट्रक्चर किया गया है, और उसमें नई व्यवस्था लाई जाएगी जिसमें होगा चीफ एक्सिक्यूटिव ऑफिसर कहलाएंगे, जो सीआरबी है वो अब नाउ चीफ एक्सिक्यूटिव ऑफिसर्स कहलाएंगे। उसी तरह से जब आप नीचे आएंगे तो जोनल रेलवेज हैं, पहले 16 और एक कलकत्ता मेट्रो 17 जोन थे, अब एक 18वां जोन अभी अंडर प्रोसेस है, जो विशाखापत्तनम में है, जो कि दक्षिण तट पे बनाया जा रहा है। तो टोटल 18 जोन हो जाएंगे। इसी तरह से डिवीजन की बात करेंगे तो वर्तमान में 68 डिवीजन्स कार्यरत हैं, और डिवीजन के नीचे डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, डिफरेंट ब्रांच होते हैं, जैसे 10 ब्रांच होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और उस ब्रांच के नीचे आप काम करेंगे। सपोज अगर आप JEPB आते हैं तो आप जो पीबे वर्क्स या पीबे में काम करेंगे, या पीबे के अलावा जो आपका जेई वर्क्स है उस पर काम करेंगे। तो इसी तरह से आपको मैं पूरी व्यवस्था जो रेलवे की है उसके बारे में बताऊंगा, और आपको उससे समझ में आ जाएगा कि व्यवस्था कैसी है। तो आपने देखा कि रेलवे बोर्ड सीआरबी के द्वारा हेडेड होता है, जोनल रेलवे जो होते हैं वो जनरल मैनेजर के द्वारा हेडेड होता है, जो एचएजी का पोस्ट होता है, और डिवीजन जो होता है वो डीआरएम के द्वारा हेडेड होता है, जो एसएजी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड पोस्ट होता है। इनके नीचे अलग अलग ब्रांच ऑफिसर्स होते हैं जो जेएजी या सिलेक्शन ग्रेड के अधिकारी होते हैं। अब जोनल रेलवे पे दो तरह की चीजें होती है, एक ओपन लाइन होता है, जैसे कि जो डिफरेंट जोन्स हैं ओपन लाइन में कहलाते हैं, और जो प्रोडक्शन यूनिट है वो ओपन लाइन नहीं कहलाते हैं, तो अदर देन ओपन लाइन्स होता है। और ट्रेनिंग सेंटर्स भी होते हैं, वो भी हेडेड होते हैं जनरल, कहीं डायरेक्टर जनरल अगर ट्रेनिंग सेंटर हो तो डायरेक्टर जनरल के द्वारा हेडेड होते हैं, या अगर प्रोडक्शन यूनिट है तो वो जनरल मैनेजर के द्वारा हेडेड होते हैं। इसके अलावा रेलवे में डिफरेंट पीएसयूज भी हैं रेलवे के, जो रेलवे के लिए कार्य करते हैं, जैसे कि आईआरसीटीसी हो गई, जैसे कि राइट्स हो गए, रिकॉन हो गए, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस है, आरएलडीए हैं, जो रेलवे के लिए काम करते हैं और रेलवे की स्ट्रक्चर्स को, उनकी सेवाओं को प्रदान करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ढंग से। तो ये आपको ध्यान रखना है। आखिर रेलवे क्यों इंपॉर्टेंट है इतना पूरे देश के लिए? तो सबसे पहली बात कि रेलवे एक बहुत ही वास्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट देता है, सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है, पूरे देश को कनेक्ट करता है, सबसे इफिशियंट है, अगर आप देखें तो लाइफलाइन ऑफ नेशन है, पूरे देश को जोड़ने की जो व्यवस्था है वो रेलवे अपने आप में करती है। चीप है, सस्ता है, इफिशियंट है, और आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी है। मास ट्रांसपोर्टेशन है, हम प्रतिदिन लगभग, आप ध्यान रखिए तो 2 करोड़ ऑस्ट्रेलिया की आबादी के इतना हम प्रतिदिन ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। उसी तरह से माल वाहक के रूप में भी हम सबसे अधिक काम करते हैं, पूरे लेंथ और ब्रेथ में पूरे अक्रॉस ऑफ इंडिया फैला हुआ है, सेफ है, इजी है, डाइवर्सिटी है, अगर कोई राजधानी में अधिक पे करना चाहता है तो राजधानी शताब्दी में जा सकता है, लग्जरी सर्विसेज ले सकता है। अब उसके अलावा आप अगर देखें तो हमारे पास महाराजा जैसी ट्रेनें भी हैं, डक्कन ओडिशी जैसी ट्रेनें भी हैं, जो अलग से टूरिस्ट के लिए स्पेसिफिक ट्रेनें हैं,
उसी तरह से अगर मुंबई लोकल की बात करें तो मुंबई बिना लोकल के, मुंबई मुंबई जो है वो लोकल जो है वो मुंबई का, मुंबई की जान है। तो उसी तरह से देखें तो एक क्लीन ट्रांसपोर्टेशन भी है, स्ट्रेटेजिक रूप से देखें तो डिफेंस फोर्सेस के लिए भी जहाँ भी जरूरत पड़ती है वहाँ भी स्ट्रेटेजिक रूप से हमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑयल के ट्रांसपोर्टेशन के, फूड ग्रेन के ट्रांसपोर्टेशन के, कोयला के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारा लाइफलाइन के रूप में पूरे नेशंस को एक वे प्रदान करता है, इसलिए रेलवे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम अभी जानेंगे कि रेलवे, अभी हमने जाना कि रेलवे के बारे में स्ट्रक्चर्स क्या है, रेलवे बोर्ड के बारे में स्ट्रक्चर क्या है, जोन पे क्या है, डिवीजन पे क्या है, और रेलवे क्यों इम्पॉर्टेंट है, इतनी जानकारी हमने अभी तक प्राप्त की है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आखिर इसमें किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कैसे अधिकारी और कर्मचारी इसमें चुने जाते हैं, कहाँ से आते हैं, उनका मोड ऑफ इंडक्शन क्या है रेलवे में। तो पहले हम अधिकारी की बात करते हैं। अधिकारी जो आते हैं गजेटेड ऑफिसर्स, उनका तरीका ये है कि तीन तरह की एग्जामिनेशंस होती हैं। एक इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज होती है, एक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होती है जो आईएएस का एग्जाम होता है, और एक सीएमएस कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस होते हैं। ये तीन एग्जामिनेशन है जिसके माध्यम से रेलवे में गजेटेड ऑफिसर्स आते हैं, और एक डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है जो कि जो लोग रेलवे में हैं वो लोग ग्रुप बी ऑफिसर्स के रूप में इंडक्ट होते हैं, एज ए ग्रुप बी जो 4800 ग्रेड पे का होता है। वो ये डिपार्टमेंट के बीच में होता है, जो दोनों के बीच का है, या डिपार्टमेंट के अंदर से आते हैं। तो अब इंजीनियरिंग सर्विसेज के माध्यम से कौन कौन से लोग आते हैं, इसमें आईआरएसी आते हैं जो कि सिविल इंजीनियर्स होते हैं, एसएमटी ऑफिसर्स आते हैं, उसके अलावा आपके इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स आते हैं, इसके साथ ही आपके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएमटी, सिविल इंजीनियर्स इसके थ्रू आते हैं। इस तरह से जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लोग हैं इसमें आते हैं। और सिविल सर्विसेज से इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, तो आईआरपीएस ऑफिसर्स हो गए जो पर्सनल सर्विसेज के हैं, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज के लोग हो गए, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज के लोग हो गए, और आरपीएफ जिसे आजकल आईआरपीएफ हो गया है, ये भी एक ऑर्गेनाइज सर्विसेज हो गई है। तो ये भी ये लोग सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन से आते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं जी रेलवे के, वो इंडियन जो कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज होते हैं उसके माध्यम से आते हैं। ठीक है, इसमें तो आपने देखा कि इसमें कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, एक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एसएमटी, सिविल इंजीनियर, और आपके स्टोर सर्विसेज जो होती हैं वो भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के माध्यम से आती हैं। तो ये तो आपके गजेटेड कैडर्स के बारे में बात हो गई। अब अगर नॉन गजेटेड कैडर की बात करेंगे तो आरआरबी एग्जामिनेशन से ग्रुप सी स्टाफ्स आते हैं। ग्रुप सी का मतलब है जो 1900 ग्रेड पे से लेके 4600 ग्रेड तक होते हैं, उन्हें हम ग्रुप सी स्टाफ कहते हैं। जैसे कि एनटीपीसी कैटेगरी आपकी हो गई, जैसे कि टेक्नीशियन कैटेगरी हो गई, एएलपी कैटेगरी हो गई, ये सारी एएसएम की कैटेगरी हो गई, सारी ग्रुप सी कैटेगरीज में आती हैं। वहीं जो ग्रुप डी कैटेगरीज होती हैं, हेल्पर्स की कैटेगरीज होती हैं, वो उसका एग्जामिनेशन आरआरसी के थ्रू कंडक्ट होता है और वो 1800 जीपी में आते हैं। तो जैसा हमने बताया कि रेलवे क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैंने बताया कि जोनल लेवल पे जनरल मैनेजर होते हैं, उसके बाद हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है जिसको पीएचयूडी बोलते हैं, पर्सनल प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोलते हैं। जैसे पर्सनल डिपार्टमेंट का अगर है तो उसे पीसीपीओ बोलते हैं, अगर अकाउंट्स का है तो पीएफए बोलते हैं, अगर वो मैकेनिकल का है तो उसे हम पीसीएमई बोलते हैं, और इसी तरह से इलेक्ट्रिकल का है, एसएनटी का है, स्टोर का है, हर डिपार्टमेंट का एक एक डिपार्टमेंटल हेड होता है जो जोनल लेवल पे होता है। तो जोनल लेवल पे स्ट्रक्चर हो गए, जनरल मैनेजर, उनके नीचे एजीएम हो गए, और फिर सारे पीएचओडी जो 10 डिपार्टमेंट है वो 10 डिपार्टमेंट के एक एक हेड हो जाते हैं। ठीक है, हम अभी बेसिक चर्चा करेंगे डिवीजन लेवल पे क्या स्ट्रक्चर होती है। डिवीजन लेवल फंक्शन लेवल होता है, क्या होता है, फंक्शनल लेवल इसको बोलते हैं, सबसे अधिक काम यही होता है, इसको फील्ड लेवल भी बोलते हैं क्योंकि जो एक्सिक्यूशन होता है कार्ज का वो यहाँ पे होता है। तो इसमें टोटल जनरली 11 हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट तो 10 ही हैं, बट इसको हम 11 में डिवाइड करते हैं चूंकि कमर्शियल ऑपरेटिंग जो है वो ट्रैफिक और ऑपरेटिंग अधिकारी एक दूसरे में रोटेट होते हैं। तो हम चर्चा करेंगे सबसे पहले अकाउंट्स डिपार्टमेंट की। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सीनियर डीएफएम होता है जो डिवीजन में अकाउंट्स का हेड होता है, उसके नीचे डीएफएम होते हैं, उसके नीचे एडीएफएम होते हैं, फिर एसएसओ होता है जो सीनियर इनका ऑफिसर होता है नॉन गजेटेड का 4600 ग्रेड पे का, उसके अलावा फिर एसओ होता है और अकाउंट्स असिस्टेंट, सीनियर अकाउंट असिस्टेंट होते हैं। उसी तरह से पर्सनल डिपार्टमेंट में अगर आप देखेंगे तो सीनियर डीपीओ होता है जो डिपार्टमेंट को हेड करता है एचआर को, उसके नीचे डीपीओ होते हैं,
उसके नीचे एपीओ होते हैं, फिर चीफ ओएस होते हैं, फिर ओएस होते हैं, फिर सीनियर क्लर्क होते हैं, क्लर्क होते हैं, उसके नीचे फिर प्यून होते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में सीनियर डीओएम उसका हेड होता है, उसके नीचे डीओएम होते हैं, फिर एओएम होते हैं, कहीं कहीं पे एरिया मैनेजर्स भी होते हैं। सपोज अगर आप तुगलकाबाद की बात करेंगे तो एरिया मैनेजर होते हैं, उसी तरह से गाजियाबाद में एरिया मैनेजर्स होते हैं। उसके नीचे फिर सीनियर सब यूनिट डिपेंड करता है कहाँ कहाँ पे है, अगर वहाँ पे स्टेशन सुपरिटेंडेंट होता है और कहीं पे चीफ यार्ड मास्टर्स होते हैं, उसके हिसाब से फिर नीचे स्टेशन मैनेजर होते हैं, स्टेशन मास्टर होते हैं, फिर डिप्टी एसएस होते हैं, इसके नीचे फिर अलग अलग जगहों पे सीनियर पॉइंट्समैन है, आपका लीवरमैन है, अलग अलग तरह के डेजिग्नेशंस होते हैं, केबिन मैन हैं, सीनियर केबिन मैन हैं। उसे ऐसे कमर्शियल डिपार्टमेंट देखेंगे तो सीनियर डीसीएम हेड करता है, उसके नीचे डीसीएम होते हैं, उसके नीचे फिर एसीएम होते हैं, उनके नीचे सीनियर सबॉर्डिनेट होता है, फिर उसके नीचे आप आएंगे तो धीरे धीरे, जैसे अगर आप ईसीआरसी का है कहीं पे तो वो चीफ जो रिजर्वेशन सुपरवाइजर हो जाएगा, अगर वो पार्सल का है तो चीफ पार्सल सुपरवाइजर हो जाएगा, उसके नीचे फिर कमर्शियल क्लर्क्स होते हैं, उसके नीचे फिर पोर्टर्स होते हैं, इनके यहाँ भी और इनके यहाँ। जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो सीनियर डीएन होते हैं जो हेड होते हैं, उसके डिपार्टमेंट के डीएन होते हैं, एएन ऑफिस होता है इनका, और यहाँ पे सीनियर सबॉर्डिनेट्स होते हैं। जनरली हर जगह सीनियर सबॉर्डिनेट 4600 जीपी का होता है, ग्रेड पे का होता है, और ये 4600 ग्रेड पे में काम करने वाले लोग होते हैं, ये डिवीजन के जो फंक्शनल यूनिट है, फील्ड यूनिट है, उसको मैनेज करते हैं। सपोज एसएससी पीबे के अंडर क्या आएगा, एसएससी पीबे के अंडर फिर उनके जो जेई हैं, उनके जो आपके ट्रैक मैन मेंटेनर, नया नाम आजकल हो गया टैक मेंटेनर, 1, 2, 3, 4, ये सारे लोग इनके अंडर होंगे, चौकीदार होगा, बाकी लोग जो होंगे ये सब इनके सीनियर सबॉर्डिनेट, जो भी एसएससी इंचार्ज होगा पीबे उसके अंडर होंगे। उसमें डिफरेंट गैंग्स होंगे जिसमें कि डिफरेंट ट्रैकमैन रहते हैं, पेट्रोलमैन, ट्रैकमैन, कीमैन, ये सारे ब्लैक स्मिथ, आर्टिजन स्टाफ सारे इसमें रहते हैं। उसको हेड कौन करता है, तो 4600 जीपी का जो सीनियर सबॉर्डिनेट होता है वो हेड करता है। उसी तरह से मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है, जहाँ भी अगर आप अगर सीडीओ है तो सीडीओ में सीनियर सीडीओ और सीडीओ होते हैं, जहाँ जहाँ पे डिपो होता है, अदरवाइज जो स्ट्रक्चर है हर जगह हर डिपार्टमेंट में वैसा ही होता है। और जहाँ पे सीनियर सबॉर्डिनेट होता है वो एसएससी इंचार्ज होता है, जो 4600 जीपी का यहाँ भी होता है। तो 4600 जीपी जो है वो एक तरह से ब्रिज है एडमिनिस्ट्रेशन में गस्टेड और नॉन गस्टेड के बीच। ये सारी जो नीचे हैं ये इनके नीचे रहते हैं, और ये ऊपर जो अधिकारी है यहां से आते हैं। तो अधिकारी और कर्मचारी के बीच का जो ग्रेड पे होता है वो 4600 ग्रेड पे होता है, और सीनियर सबॉर्डिनेट इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। अगर आप एक असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू के रूप में आए हैं तो आपकी छुट्टी जो है वो रिकमेंडेशन से ही एसएससी करेगा, आपकी एप्लीकेशन की रिकमेंडेशन नहीं करेगा, आपके एनओसी की रिकमेंडेशन ये करेगा, सारी एप्लीकेशन आपको इसके यहाँ जमा करनी होगी, आपकी अटेंडेंस यहाँ पे बनेगी, आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे मौजूद रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम जगहों पर फील्ड यूनिट में सैलरी भी आपकी यहीं पे बनेगी। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सीनियर डी डी ए और सीनियर सबॉर्डिनेट्स होते हैं, फिर इसके नीचे जो भी इलेक्ट्रिकल क्लासेस हैं वो आते हैं। एसएनटी डिपार्टमेंट भी इसी तरह से होता है। मेडिकल डिपार्टमेंट में थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पे मेडिकल के हेल्थ यूनिट्स होते हैं और वहाँ पे डॉक्टर्स अधिक होते हैं। वैसे आरपीएफ में देखेंगे तो सबसे नीचे आपका कांस्टेबल है, उसके ऊपर हेड कांस्टेबल है, उसके ऊपर फिर सब इंस्पेक्टर है, फिर इंस्पेक्टर है, बेसिकली ये चौकी का इंचार्ज होता है, और उसके ऊपर से अधिकारी होते हैं एएससी, फिर आपका डीएससी होता है, सीनियर डीएससी होता है जो आरपीएफ का देखता है, जैसे स्टोर का डिपार्टमेंट का देखा जाता है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से डिवीजन लेवल पे हायरार्की होती है, और इस हायरार्की के बीच में जो सीनियर सबॉर्डिनेट होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर कोई कर्मचारी, सपोज आप यहाँ पे एक गैंगमैन के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं, सीनियर डीएन के अंडर काम करते हैं, यहाँ से आप अगर एक ट्रैकमैन आप हैं और आपको कोई एप्लीकेशन देना है तो आप एप्लीकेशन कहाँ देंगे, अपने सीनियर सबॉर्डिनेट को देंगे। सीनियर सबॉर्डिनेट ये एप्लीकेशन, अगर आपका जीडीसी का एप्लीकेशन है, एनओसी का एप्लीकेशन है, म्यूचुअल ट्रांसफर का एप्लीकेशन है, कहीं और अप्लाई कर रहे हैं किसी दूसरे डिवीजन में जाने के लिए, तो वो सारी एप्लीकेशन ये यहाँ से लेके और आपका पर्सनल डिपार्टमेंट को देगा। वैसे ही अगर आप कोई क्लेम करते हैं टीए ओटी ये सब क्लेम, तो ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास आएगा। ये सारी प्रक्रियाएं आपकी जो है वो फंक्शनल यूनिट जो है यहाँ से होके जाती है। अगर आपको कोई ग्रीवांसेस होती है तो आप डायरेक्टली बहुत सारे चीजों में भी यहाँ पे ग्रीवांसेस, सैलरी से रिलेटेड, अगर कोई सर्विस रिकॉर्ड में एंट्री से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे सीनियर डीपीओ के ऑफिस में दे सकते हैं। और मैक्सिमम जगह पे सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे कि आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके लिए एक एम्प्लॉय चार्टर्स भी है, जिसमें कि हम प्रयास करते हैं, लोग प्रयास करते हैं कि उस चार्टर के अंदर सारा काम हो। तो अभी मैंने आपको बताया कि रेलवे बोर्ड लेवल पे किस तरह के कार्ज होते हैं, जोनल लेवल पे किस तरह के कार्ज होते हैं, और डिवीजन लेवल पे किस तरह के कार्ड होते हैं। डिवीजन लेवल पे ट्रेन ऑपरेशंस के सारे कार्ड यहीं पे
संपादित होते हैं। जोनल लेवल पे पॉलिसी का कुछ पार्ट और क्लारिफिकेशन के कुछ पार्ट और डायरेक्शंस का काम होता है, और रेलवे बोर्ड लेवल पे पॉलिसी निर्माण का काम होता है कि जितनी भी तरह की पॉलिसी निर्माण होती है वो रेलवे बोर्ड लेवल पे होती है। तो आप अभी रेलवे के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने समझा कि रेलवे क्या है, रेलवे बोर्ड को कैसे मैनेज होता है, रेल मंत्री रेलवे बोर्ड को हेड करते हैं, उसके नीचे फिर सीआरबी होते हैं, सीआरबी में फिर अलग अलग मेंबर्स होते हैं, अभी उसमें भी रिस्ट्रक्चरिंग की गई है, उसमें नई व्यवस्था फंक्शनल बेसिस पे चीज़ें बदली गई हैं। तो उसके बाद रेलवे बोर्ड के बाद जोन होता है, जोन अभी टोटल 18 जोन हैं, 17 जोन फंक्शनल हैं और एक जोन अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। उसके बाद 68 डिविजन्स हैं, उस डिविजन्स में डिविजनल हेड डीआरएम होते हैं, उनके नीचे एडीआरएम्स होते हैं, उसके नीचे फिर इनको ब्रांच ऑफिसर्स कहते हैं, जो 11 ब्रांच ऑफिसर जनरली हर जगह होता है, उसके नीचे फिर अलग अलग स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया। तो अगर इतनी जानकारी आपको है तो हर एक परीक्षा में, चाहे वो नॉर्मल परीक्षा रेलवे की हो, आरआरबी और आरआरसी की परीक्षा हो, एलडीसी की हो, जीडीसी की हो, डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जामिनेशन हो, इसमें 4 से 5 क्वेश्चंस आपके इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछे जाते हैं। तो आप इसको सारे जोन्स के बारे में, सारे डिविजन्स के बारे में, उनके हेडक्वार्टर के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपके 4 से 5 क्वेश्चंस ठीक हो सकते हैं। और ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां आप काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे कर्मचारियों, अगर आप अच्छे से तत्परता के साथ काम करते हैं तो रेलवे में आपको बहुत मजा आएगा। एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें काम करने का एक मजा ही डिफरेंट है। धन्यवाद।